वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। आइए जरा देखते हैं, ये नया टॉपिक आया हमारे लिए, इक्वल राइट्स टू वोट, यानी कि सबको वोट देने का बराबर का अधिकार, सबको बराबर का राइट है, सबको बराबर का अधिकार है। आइए जरा जानते हैं, रिकॉल द स्टोरी ऑफ कांता। अब अगर हम कांता की स्टोरी की बात करें, वहाँ पर सभी लोग बराबर वोट दे रहे थे, वोट देने का दिन चल रहा था, और जो पहले आएगा उसको पहला अधिकार है वोट देने का, और जो लास्ट में आएगा उसको बाद में अधिकार है वोट देने का। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल एडल्ट्स आर एंटाइटल्ड टू वोट। हमारे देश में, हमारे लोकतांत्रिक देश में, हमारा जो कंट्री जो चलता है, रिप्रेजेंटेटिव हमारे नेताओं से सारे जितने भी एडल्ट हैं, जितने भी सारे हैं वयस्क, उनको सभी को वोट डालने का राइट है, वोट वो डाल सकते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, चाहे उनकी कोई सी भी कास्ट क्यों ना हो, चाहे उनका कोई सा भी रिलीजन क्यों ना हो, चाहे उनका जेंडर कोई सा भी क्यों ना हो, तो वोट डालना ये चीज़ नहीं देखता, वोट डालने वाला राइट ये चीज़ नहीं देखता कि उसकी कास्ट क्या है, जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, सिख है या ईसाई, सभी को वोट देने का राइट है। और जहाँ पर आती है जेंडर की, चाहे वो मेल है या फीमेल, वो भी वोट दे सकता है। इसी चीज़ को हम स्टूडेंट्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। दुनिया में जहाँ भी जिसकी भी 18 ईयर्स से उम्र ज़्यादा है या 18 ईयर्स के बराबर है, तो वो वोट देने का उसे प्रॉपर राइट है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। द बेसिक आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। एक ये स्टूडेंट्स, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के पीछे कारण क्या है, उसके पीछे यही कारण है कि वो इक्वलिटी पे बेस्ड है, सभी लोगों को बराबर मानता है, क्योंकि सभी लोगों को बराबर राइट है वोट देने का, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसका बर्थ ही कहीं और क्यों ना हो, उसका जन्म ही क्यों ना कहीं और हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का क्यों ना हो, मेल हो या फीमेल, सभी को जिसकी एज 18 इयर्स या फिर 18 इयर्स से ज़्यादा है, उसको वोट देने का राइट बिल्कुल है। डज द इक्वालिटी इन द वोटिंग एंश्योर क्वालिटी इन ऑल स्फीयर। अब सवाल ये उठता है कि वोटिंग में तो इक्वालिटी चली हुई है, सबको बराबर का अधिकार है, कोई सा भी धर्म का क्यों ना, कोई सा भी कास्ट का क्यों ना हो, क्या और कंडीशंस में भी इक्वालिटी अप्लाई होती है? क्या वो समाज के कंडीशन में, सोसाइटी के कंडीशन में भी इक्वालिटी अप्लाई होती है? फॉर एग्जांपल कास्ट को लेके चलें, अगर वो छोटी कास्ट का है तो क्या उसके साथ बराबर का सलूक किया जाता है, बराबर का बिहेवियर किया जाता है? बिल्कुल नहीं, उसको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, हायर कास्ट वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, या फिर कोई इकोनॉमिकल स्टेटस उसका अगर कम है, इकोनॉमिकल स्टेटस का मतलब फाइनेंशियली, अगर वो पुअर है, अगर वो गरीब है, तो क्या उसको बराबर की इम्पोर्टेंस मिलती है? तो ये ऐसे कुछ सवाल खड़े कर देने वाले हैं। आइए जरा जानते हैं, कनेक्टेड विद द स्टोरी ऑफ कांता। कांता की स्टोरी में भी हमें यही देखने को मिला, बेशक उसे वोट देने का बराबर का राइट है, उसके लिए इक्वली ट्रीट किया जा रहा था, बट जब बात आती है इलाज के लिए, इलाज में उसे लाइन में वेट करना पड़ता है, बल्कि जैन साहब को वेट नहीं करना पड़ा था, जैन साहब को तो सिर्फ वोट के लिए वोट करना पड़ता क्योंकि वहाँ पर लॉ अप्लाई होता है। क्या इक्वालिटी सब जगह बराबर केस में अप्लाई होती है? क्या वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वहाँ पर अप्लाई होती है? हिंदू हो या मुसलमान हो, मुसलमान या ईसाई वगैरह को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्या उनके साथ बराबर का इक्वली बिहेव किया जाता है, क्या उनको बराबर की रेस्पेक्ट दी जाती है? तो ऐसे कुछ सवाल खड़े कर देने वाले हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, दो स्टोरी पढ़ेंगे, आइए जरा ध्यान दें। सबसे पहले स्टोरी है स्टूडेंट्स ओम प्रकाश वाल्मीकि, आइए जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले इसमें एक वर्ड दिया हुआ है दलित, दलित को हम जरा समझ लेते हैं, ये आपको दलित दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्रोक, टूटा हुआ, यानी कि ऐसा इंसान जो समाज से टूटा हुआ है, ब्रोकन आपको दिखाई दे ही रहा है। लोअर कास्ट में पॉइंट करके बात बोली जाती है,
उंगली दिखाकर कि क्या है, क्या ये सोसाइटी के लिए सही है, क्या ये सोसाइटी के कुछ काम आएंगे, और उनके साथ फिर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ गलत बिहेवियर किया जाता है, गलत सलूक किया जाता है। स्टूडेंट्स आइए ज़रा जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर इसमें देखा गया है, कुछ हम बात करें अदर रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी की अगर हम बात करें, तो इसमें अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी में हमने देखा कि सुजाता की कंडीशन अलग थी, कि उसने वोट देने का तो राइट बराबर है, इक्वालिटी उसके साथ अप्लाई हो रही है, बट जब वो हॉस्पिटल में जाती है अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए, तो उसे लंबी लाइन में भटकना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। इनइक्वालिटी के लिए स्टूडेंट्स, इक्वालिटी के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, चाहे वो हमारा रिच हो या पुअर हो, रिच के साथ बराबर इक्वालिटी की जाती है बट पुअर के साथ नहीं की जाती, चाहे वो गांव का खून हो, चाहे वो शहर का क्यों ना हो, चाहे वो हमारा अर्बन हो, रूरल हो या फिर अर्बन हो, क्या बराबर दोनों के साथ इक्वालिटी की जाती है? बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, क्या उनके साथ बराबर इक्वालिटी की जाती है? बिल्कुल भी नहीं। आइए अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि फेमस दलित राइटर हैं, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम जो है जूटन है, जूटन उनकी ऑटोबायोग्राफी है, वो उसमें क्या लिखते हैं, अपनी बात बताते हैं। आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास, मुझे सभी बच्चों से दूर बैठना पड़ता था, एंड देन डैट टू ऑन द फ्लोर, कभी कभी मुझे दरवाजे किनारे भी बैठना पड़ता था। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन, कभी कभी मेरे लिए जब मैं बैठने की कोशिश करता तो मेरे लिए चटाई छोटी पड़ जाती, या जिस बोरी पे वो बैठता हो। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबडी, कभी राइट नियर द डोर, कभी कभी मुझे सबसे पीछे बैठना पड़ता था, दरवाजे के एकदम पीछे, क्लास से बाहर भी बैठना हो सकता है, क्या पता टीचर ने निकाल दिया हो कि भाई तू इन बच्चों के साथ पढ़ने लायक नहीं है, तो ये भी बात बतानी है। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, कभी कभी वो मुझे बिना बात के पिटाई लगाते थे, बिना किसी कारण के पीछे बैठा दिया जाता था, तो धुंधला दिखाई देता था क्लास में, अक्षर अच्छे से नहीं दिखाई देते थे। व्हेन ही वॉज इन क्लास फोर्थ, जब वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि फोर्थ क्लास में थे, द हेड मास्टर आस्क्ड टू स्वीप द स्कूल, हेडमास्टर ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से बोला कि तुम्हें स्कूल की झाड़ू लगानी है, और वो और साथ में प्लेग्राउंड की भी लगानी है। ही राइट्स द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट, हमारा जो ग्राउंड जो था, हमारा जो मैदान जो था, वो बहुत बड़ा था, मेरे साइज से तो काफ़ी गुना ज़्यादा बड़ा था। माई बैक बिगिन टू एक, मेरी कमर दर्द करने लगी, क्योंकि ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है बच्चा जो है, ये इनकी कमर दर्द करने लगी झाड़ू लगाते लगाते, क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा था। माई फेस वॉज कवर्ड विथ डस्ट, मेरा जो शक्ल जो थी, मेरी जो फेस जो थी, मेरा जो चेहरा था, वो मिट्टी से पूरा अट गया था, मिट्टी से पूरा उसके फेस पर कवर हो गई थी, मिट्टी लग गई थी उसके फेस पर, और हर जगह उसके बालों में, उसकी बॉडी पर, सब जगह हो गई। इवन डस्ट हैड गॉन, डस्ट जो है उसके माउथ में भी चली गई, और कभी कभी तो धूल मिट्टी उसके मुंह में भी चली जाती। देखो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि इस बच्चे की फॉर्म में दिखाया गया है, यही वो बच्चा है जिसके साथ ऐसा जात की भेदभाव किया जा रहा है। द अदर्स चिल्ड्रन इन द माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग, सभी बच्चे मेरी क्लास में पढ़ रहे थे और मैं बेचारा झाड़ू लगा रहा था पूरे मैदान की। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन दिस रूम एंड वॉचिंग मी, बेशक हेडमास्टर जो था, उसका टीचर जो था, वो क्लास में बैठा था, बट उसकी नज़र मेरे पे थी, प्लेग्राउंड में थी, कि ये ओम प्रकाश वाल्मीकि सही से झाड़ू लगा रहा है कि नहीं। हेडमास्टर आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, हमें पानी पीने की भी परमिशन नहीं थी। भाई अब झाड़ू लगा रहा है तो प्यास तो लगेगी, दिन का टाइम है और वो मैदान में झाड़ू लगा रहा है, मिट्टी उसके मुंह में चली गई तो प्यास लगना तो जाहिर सी बात है, बट उसको पानी पीना भी अलाउड नहीं था बिल्कुल भी। आई स्वेप्ट द होल डे फ्रॉम द डोर्स एंड द विंडोज़ ऑफ द स्कूल
रूम्स द आईज ऑफ द टीचर एंड द बॉय सॉ दिस स्पेक्टिकल। पूरे दिन मैं झाड़ू लगाता रहा और इसमें जो बात कही गई है कि सभी बच्चे और टीचर्स ये नज़ारा देखते रहे, ये तमाशा देखते रहे छुप छुप कर। ओम प्रकाश वॉज मेड टू सिप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। ऐसे ही कुछ दिनों उसे यही झाड़ू लगाने का ऑर्डर भी दिया जाता और वो उसे करना पड़ता था। अब ये सिलसिला काफ़ी टाइम तक चल रहा था। अब ये सिलसिला आके रुका कब, जब उसके पिताजी वहाँ से गुजर रहे थे। उसके पिताजी गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि स्कूल में जो मेरा बच्चा पढ़ रहा है उससे झाड़ू लगवाई और उसने अपने बच्चे का हाथ पकड़ के वो बाहर निकल के आ गया और मास्टरों से क्या बोला, लाउडली बोला कि यू आर द टीचर, मास्टर तुम अभी टीचर हो, तुम मास्टर हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने बच्चे को लेकर, बट हाँ इतना ध्यान रखना मेरा बच्चा इसी स्कूल में ही पढ़ेगा, इसी मदरसे में ही पढ़ेगा और यहाँ पे और भी बच्चे आएंगे, बताओ ऐसे तुम क्या करोगे, क्या तुम पढ़ाना छोड़ दोगे। तो स्टूडेंट्स ये थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी, जहाँ पर उस बच्चे के साथ काफ़ी जात के भेदभाव किया जाता है क्योंकि वो लोअर कास्ट का है, वाल्मीकि है इसीलिए, और उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, रेस्पेक्ट नहीं दी जाती क्लास में, क्योंकि वो सभी बच्चों के साथ उसको बराबर का सम्मान नहीं दिया जाता, बराबर की रेस्पेक्ट नहीं दी जाती, इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। सेकंड स्टोरी जो दी हुई है वो स्टूडेंट्स है हमारी अंसारीज, मिसेज एंड मिस्टर अंसारीज की। ये स्टोरी की अगर हम बात करें, ये काफ़ी बड़े शहर की बात है, इंडियाज़ के बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात है। इस स्टोरी में हमें क्या देखने को मिलता है, मिस्टर और मिसेज अंसारी जो हैं वो अपार्टमेंट रहने के लिए एक अपार्टमेंट देखना चाहते हैं, रहने के लिए जगह चाहिए उन्हें किराए के लिए, और वो उनके पास पैसा भी है और किराए देने में भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब पैसा है तो किराया आराम से दे सकते हैं। उन्होंने क्या बोला, वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास चले गए और उनसे बोला कि हमें जगह ढूंढने में हमारी मदद करो। डीलर ने बताया कि हाँ मैं कुछ प्लेसेस के बारे में जानता हूँ जहाँ पे तुम्हें अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं रेंट के लिए, किराए के लिए। तो वो आगे आगे अपार्टमेंट में गए, सबसे पहला अपार्टमेंट देखा, डीलर ने अंसारी की फैमिली को दिखाया, अंसारी की फैमिली को वो अपार्टमेंट पसंद आया और उन्होंने सोचा कि चलो इस अपार्टमेंट को लेते हैं, इसका जो भी किराया भाड़ा होगा वो हम देंगे, बराबर देंगे। हाउएवर अब लैंडलेडी की बात आती है, यहाँ पर लैंडलेडी क्या बोलती है, लैंडलेडी को जैसे ही, यानी कि जो उसकी मकान मालकिन जो थी, मकान मालिक को जैसे ही उसकी नाम का पता चलता है तो वो बहाने लगाने शुरू कर देती है और वो ये बहाना मारती है कि मैं ऐसे किसी इंसान को किराए पर मकान नहीं दूंगी जो मीट मांस खाता हो, जो मांसाहारी हो। और बल्कि थोड़ी देर बाद ही वो दोनों क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी की फैमिली, कि बगल में ही उन्हें मछली पकने की स्मेल आ रही होती है, मछली पकने की ही बदबू आ रही होती है। तो देखो ये कैसा धोखा हुआ, वो ये धोखा था कि उनका रिलीजन अलग था, वो अंसारी थे, वो मुसलमान थे, उस रिलीजन को देखते ही, रिलीजन के बेसिस पर ही उस लैंड लेडी ने उनके साथ इनइक्वालिटी किया, इनइक्वालिटी का बिहेवियर किया। ऐसे ही बाद में आगे आगे उन्होंने सेकंड और थर्ड अपार्टमेंट भी देखे, वो भी उन्हें पसंद आए ऐसे करके, बट वहाँ के मकान मालिकों ने भी यही कारण दिया कि हम नहीं दे सकते तुम्हें, नाम सुनकर ही। तो एट लास्ट प्रॉपर्टी डीलर ने उनको ये एडवाइस दी कि भैया अब तुमको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, तुम ऐसा करो अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लो। अंसारी को ये चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगी, उन्होंने बोला कि हम अपना नाम तो चेंज नहीं करेंगे, हम आगे और देखते रहेंगे। आगे उन्होंने और हाउसेस सर्च करे, अपार्टमेंट सर्च करे, लास्ट एक महीने की जद्दोजहद मेहनत के बाद उन्हें एक लैंड लेडी मकान मालिक मिली जो उन्हें अपना मकान किराए पर दे सकती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी सेकेंड स्टोरी थी जिसमें अंसारीज की फैमिलीज को प्रॉपर्टी डीलर की मदद ली, बट वो अपार्टमेंट ढूंढते ढूंढते उन्होंने ये भी नहीं पता चला कि उनके जो लैंडलॉर्ड्स जो आने वाले होंगे वो उनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, ज़्यादती करेंगे। इस बात की इनक्वालिटी की थी कि भाई उनका नाम ही अंसारी आ रहा था, वो गैर धर्म के थे हम कह सकते हैं, वो मुसलमान थे, तो क्या पता है इसी सोच को ही देख करने दिया हो, क्योंकि हिंदू में भी मछली खाते हैं, हिंदू में मांस खाते हैं, बट बहाना क्या बनाया उसने लैंड लेडी ने कि मैं ऐसे इंसान को नहीं दूंगी जो मांस खाता हो। बहाना बनाने का कारण क्या था, क्योंकि उसको नाम का पता चल गया था, उनके नाम में अंसारी था,
तो बाद में प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें राय दी कि भाई तुम्हें अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए। ये चीज़ उन्हें सही नहीं लगी और आगे एक मेहनत की जद्दोजहद मेहनत के बाद उन्हें एट लास्ट मकान मिल ही गए किराए के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी सेकंड स्टोरी। यहाँ पर वीडियो ख़त्म होती है। दोनों स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हमने जाना दोनों ही इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड हैं। दोनों वहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ भेदभाव होता है, इनइक्वालिटी होती है। सेकेंड स्टोरी में मिस्टर एंड मिसेस अंसारी फैमिली के साथ इनइक्वालिटी होती है। सो ओके क्लास, थैंक यू। स्टूडेंट्स से वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितने भी यहाँ पर नोट्स मिल रहे हैं, स्टोरीज मिल रही हैं, उनको पढ़ें और नोट करें। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ।